कि लेनोवो अब फिटनेस ब्रांड में भी काफ़ी अच्छा है। वैसे तो उसके फिटनेस ऐप में भी हैं काफ़ी आजकल आए हुए, लेकिन आजकल हम फिटनेस बैंड्स के ऊपर ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करें क्योंकि हम हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं। आज के टाइम में हमें सब कुछ चाहिए और ये लेनोवो का जो बैंड है काफ़ी अच्छा है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं हम स्क्रीन की, 0.87 की OLED डिस्प्ले है, कैपेसिटिव डिस्प्ले है इसके अंदर। दोस्तों टच फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। बात करूँ इसके टच स्क्रीन की कैपेसिटी तो दोस्तों काफ़ी अच्छी है, रिस्पॉन्स भी काफ़ी क्विक ऑन द टाइम देती है, जो कि अगर आप कॉल रिसीव करते हैं तो भी बहुत अच्छी से आपका काम कर पाएगी। अब मैं बात करूँ इसकी प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर इसका काफ़ी अच्छा दे रखा है लेनोवो ने। इसका प्रोसेसर दिया नॉनिक का 52832 का प्रोसेसर है, जो कि काफ़ी अच्छा बना देता है। ये प्रोसेसर लेनोवो की तरफ से माना जा रहा है कि आपकी कॉल्स को, या अगर आप कोई ट्रैकिंग कर रहे हैं अपनी हार्ट रेट वगैरह सब कुछ, तो ये काफ़ी स्मूथ और स्मूथ बना देता है। अब इसकी बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी इसकी 100mAh की बैटरी है दोस्तों। लेनोवो ने दावा करा है कि 20 दिन तक ये चलेगी एक बार चार्ज करने के बाद। अब दोस्तों ये तो आपके इस्तेमाल के ऊपर बनता है कि आप कितने इस्तेमाल करते हैं। रफ एस्टिमेट के हिसाब से उन्होंने 20 दिन दे दिया है, लेकिन पता नहीं कितने दिन चलेगी। शायद हो सकता है आधा दिन भी ना चले, या एक दिन, या दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पाँच दिन भी चल जाए। ये आपके दोस्तों यूसेज पे पर्सन टू वेरी करता है दोस्तों, शायद आपका अलग हो, मेरा अलग हो, किसी और का अलग हो। अब दोस्तों इसमें क्या है जो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों मोटर रेजिस्टेंट है, यानी कि ATM, यानी कि 50 मीटर तक अगर आप दोस्तों अगर कहीं रनिंग करने जा रहे हैं, आपको स्वेट बहुत आता है, या आप मान लीजिए आप रनिंग करने गए और रास्ते में बारिश हो गई, या आप इतने फिटनेस बैंड को पहन रखा है, आप ऑफिस से घर आ रहे हैं और रास्ते में आप गिर गए, या बाई चांस आप स्विमिंग करने चले गए इसको पहन के, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 50 सेंटीमीटर तो आराम से आपको आराम से आप इसमें 50 मीटर तक आराम से जा सकते हैं पानी के अंदर, और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अब और इसकी मैं बात करूँ, इसका हार्ट रेट काफ़ी अच्छा है। अगर दोस्तों आप अपने हार्ट रेट रात को सोते हुए देखना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा है। अब बात करेंगे लोग सिंक की, तो सिंक कैसे हो सकता है, अगर दोस्तों आपके पास एंड्रॉयड का 4.4 से अबव वर्जन है तो आप इसको ऑटोमेटिकली अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो दोस्तों नताश ना हो, 8.0 के iOS के ऊपर, यानी कि आप आईफोन में भी इसे यूज़ कर सकते हैं आराम से बिना किसी दिक्कत के। अब दोस्तों इसकी बैटरी भी काफ़ी अच्छी है, इसका प्रोसेसर भी मैंने देखा है काफ़ी अच्छा है, और साथ में साथ स्क्रीन की बात करूँ तो स्क्रीन भी काफ़ी ठीक नहीं काफ़ी अच्छी है। OLED डिस्प्ले हमें मिलने वाली है आज के टाइम में, तो भैया कोई ऐसे नहीं देता फ़ोन में, तो OLED डिस्प्ले तो मिल रही है कम से कम। और दोस्तों कैपेसिटी और टच स्क्रीन है, जिससे कि आप आसानी से अपनी कॉल्स ले सकते हैं। ब्लूटूथ भी है दोस्तों इसमें, ब्लूटूथ की बात करूँ तो 4.0 का इसका ब्लूटूथ भी आता है, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आप अपने कोई इससे ऐप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, या ब्लूटूथ से आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, या ऑटोमेटिकली आप अपने ईयरफोन हेडफोन्स कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी इससे कर सकते हैं बिना कोई वो करें झंझट के। अब दोस्तों ये आपके ऊपर आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, प्राइस की दोस्तों पता नहीं, लेकिन फिर भी ये प्राइस सेगमेंट में काफ़ी अच्छा है। Xiaomi के मी बैंड को काफ़ी अच्छी रकम दे सकता है, और भी ऐसे ही बैंड है फिटनेस बैंड लोग ले लेते हैं और उसको चलाते हैं। अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप लेनोवो का ये LX60H लेना पसंद करेंगे या नहीं, नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और अभी बताइए। और वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करो, नहीं लगी वीडियो को डिसलाइक कर दो, मैं समझ जाऊँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो अपने दोस्तों का शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप शेयर नहीं करते हैं ना व्हाट्सएप पे, ना फेसबुक पे, कहीं भी शेयर नहीं हो रही यार, करो अच्छे से दबा के शेयर करो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए ताकि जो भी वैल्यू सबसे पहले डेटा को मिल जाए। मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।